केंद्र सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ किसान दिल्ली से सटे बॉर्डर पर बैठे हैं और कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी और केंद्र सरकार किसानों को बार बार समझाने की कोशिश में जुटी है। हालांकि कई राउंड की बातचीत के बाद भी किसानों और सरकार के बीच सुलह नहीं हुई है। केंद्र सरकार इस आंदोलन को जल्द समाप्त करवा कर राहत की सांस लेना चाहती है। वहीं सरकार के बचाव में मोदी सरकार के कई नेता मैदान में उतर गए हैं, जो सरकार का पक्ष किसानों के आगे रख रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों को समझाने के साथ विपक्ष पर भी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद न्यूज चैनल के जरिए किसानों को इस कानून का फायदा बताने में जुटे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसानों को पूरी आजादी मिलनी चाहिए कि उनकी फसल हिंदुस्तान में कहीं भी बेची जा सकती है, कोई रोकेगा नहीं। आपकी फसल पर अलग से मंडी का टैक्स नहीं लगेगा। इस साल भारत सरकार ने MSP के अंतर्गत 60,000 करोड़ का धान खरीदा है, जिसमें से 60% पंजाब से खरीदा गया। रविशंकर प्रसाद ने बिहार के बख्तियारपुर में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज अगर किसानों के आंदोलन की आड़ में भारत को तोड़ने वाले टुकड़े टुकड़े लोग पीछे होकर आंदोलन के कंधे से गोली चलाएंगे, तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। रविशंकर प्रसाद के अलावा बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष पर करारा हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। किसान भाइयों के कंधों पर बंदूक रखकर देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया जा रहा है, ये स्वीकार नहीं हो सकता है। हालांकि अभी तक किसानों को न योगी की बात समझ आई है, न ही रविशंकर प्रसाद की बात समझ आई है। किसान अपनी मांग पर अड़े हैं और बैठकों का दौर भी जारी है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि किसानों को केंद्र सरकार की बात कब समझ में आती है और ये आंदोलन कब समाप्त होता है। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर आमने सामने हैं। पहले फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर वार किया, जिसका पलटवार सीएम उद्धव ठाकरे ने तुरंत किया है। पूर्व सीएम फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी सरकार को सभी मोर्चों पर विफल बताया। उन्होंने कहा कि चाहे वो COVID-19 महामारी से निपटना हो या फिर चक्रवात, भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों की मदद करना हो, महाविकास अघाड़ी सरकार सभी मोर्चों पर फेल है। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र को छोड़कर पूरे देश में कोरोना वायरस संक्रमण में कमी आ रही है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार में कोरोना के मामले बढ़ ही रहे हैं। पूर्व सीएम ने महाराष्ट्र सरकार पर अघोषित आपातकाल होने का आरोप लगाया, जिसका जवाब सीएम उद्धव ठाकरे ने तुरंत दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में अघोषित आपातकाल है, तो दिल्ली में क्या हो रहा है? आप अन्नदाता को आतंकवादी कह रहे हैं। जो भी किसानों को आतंकवादी कहता है वो इंसान कहलाने लायक नहीं है। आपको बता दें कि पिछले साल महाराष्ट्र में शिवसेना ने चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी को लेकर बीजेपी से अलग हो गई। उद्धव ठाकरे ने कुर्सी के लालच में अपने विरोधी एनसीपी और कांग्रेस के साथ ही गठबंधन कर लिया और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो गए। हालांकि राज्य में तीनों दलों में मतभेद हमेशा से ही रहा है। गठबंधन में मतभेद की खबरों के बीच बीजेपी दावा करती रहती है कि जल्द ही राज्य में बीजेपी की एक बार फिर सरकार बनने वाली है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अनशन वाली नौटंकी विपक्ष के नेताओं को भी पसंद नहीं आ रही है। अनशन करने में महारत हासिल कर चुके अरविंद केजरीवाल इस बार किसानों के पक्ष में एक दिन का अनशन कर रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने केजरीवाल पर हमला बोला है। अनशन को लेकर केजरीवाल और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर आमने सामने हैं। दरअसल अमरिंदर सिंह ने किसानों के पक्ष में केजरीवाल के अनशन को नाटक बताया था। इसी पर दिल्ली सीएम ने पंजाब सीएम पर निशाना साधते हुए सवाल पूछा कि आपने किसानों का आंदोलन क्यों बेच दिया है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि कैप्टन जी, मैं शुरू से किसानों के साथ खड़ा हूं। दिल्ली के स्टेडियम जेल नहीं बनने दी, केंद्र से लड़ा, मैं किसानों का सेवादार बनके उनकी सेवा कर रहा हूं। आपने तो अपने बेटे के ईडी केस माफ करवाने के लिए केंद्र से सेटिंग कर ली, किसानों का आंदोलन बेच दिया क्यों? आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल के अनशन को नाटक बताते हुए कहा था कि केजरी सरकार ने 23 नवंबर को कृषि कानूनों में से एक को बेशर्मी से अधिसूचित कर किसानों की पीठ में छुरा घोपा है, और अब वो सोमवार को किसानों की भूख हड़ताल के समर्थन में उपवास पर बैठने की घोषणा कर नाटक कर रहे हैं। दरअसल केजरीवाल और अमरिंदर के बीच सियासी जंग छिड़ने की वजह पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव है। किसान आंदोलन में बड़ी संख्या में पंजाब के किसान शामिल हैं। ऐसे में केजरीवाल पंजाब के किसानों को साथ कर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको अमरिंदर भली भांति समझते हैं। इसलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी किसान आंदोलन में बढ़ गई है।
कृषि कानून के विरोध में शुरू हुआ किसान आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष भी आंदोलन को सुलगाने में पूरी मदद कर रहा है। कांग्रेस से लेकर शिवसेना हो या आम आदमी पार्टी, कृषि कानून को लेकर किसानों को भड़काने में लगे हुए हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल किसानों की हिमायती बनकर अनशन कर रहे हैं। इस बीच मोदी सरकार और किसानों के बीच अभी तक 7 राउंड से ज्यादा बातचीत हो गई है, लेकिन इस विधेयक पर ना तो मोदी सरकार झुक रही है और ना ही किसान विधेयक को मानने के लिए तैयार है। बीजेपी किसानों को समझाने के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतार चुकी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ किसानों को समझाने के साथ विपक्ष से निपटने की भी कोशिश कर रहे हैं। इस बीच कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने अपील की है कि किसान सरकार के साथ बैठे और किसान बिल संबंधित कानूनों से संबंधित मुद्दों को हल करे। साथ ही उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार की मंशा साफ करते हुए कहा कि अगर किसान बिल में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो इसकी संभावना अधिक है, लेकिन ये पूर्ण हाँ या ना नहीं हो सकता है। एक साथ बैठने से समाधान होता है। वही किसानों के एक बड़े समूह ने हरियाणा राजस्थान सीमा पर पुलिस द्वारा रोके जाने पर रविवार को दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया था। हालांकि किसान आंदोलन में जुटे अलग अलग संगठन के नेताओं में अब फूट पड़ने भी शुरू हो गई है। भारतीय किसान यूनियन एकता के महासचिव सुखदेव सिंह ने पंजाब के 32 किसान यूनियन की एक दिन के अनशन के फैसले से खुद को अलग करते हुए कहा कि वो भूख हड़ताल नहीं करेंगे, जबकि कई दूसरे किसान संगठन एक दिन के भूख हड़ताल पर बैठे हैं। नए कृषि कानून को लेकर न किसान झुकने को तैयार हैं और न ही मोदी सरकार। ऐसे में किसान आंदोलन इतनी जल्दी थमता नजर नहीं आ रहा है। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी की मुसीबत बढ़ती जा रही है। मौसम का रुख भांपते हुए टीएमसी के विधायक एक एक कर पार्टी से नाता तोड़ रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे विधायक हैं जो आने वाले दिनों में टीएमसी का साथ छोड़ सकते हैं। टीएमसी के भीतर भागी तेवर अपनाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इन नेताओं में मंत्री और विधायक भी शामिल हैं। इन सभी नेताओं को मोदी पसंद है, यानी इनका अगला ठिकाना बीजेपी होने वाला है। पश्चिम बंगाल की सियासी सरगर्मी को टीएमसी विधायक और आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन जितेंद्र तिवारी ने अपने बयानों से और तेज कर दिया। उन्होंने ममता सरकार के खिलाफ बागी तेवर अपना लिए। उन्होंने राज्य सरकार में मंत्री फरहाद हकीम को चिट्ठी लिखी है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि आसनसोल को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार द्वारा चुना गया था, लेकिन राजनीतिक कारणों से राज्य सरकार के द्वारा हमें इसकी सुविधा का लाभ लेने से वंचित कर दिया गया। इसके अलावा भी उन्होंने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वरिष्ठ नेताओं में बढ़ती नाराजगी और बागी रुख से चिंतित टीएमसी अपने नेताओं को मनाने में जुटी है। ममता सरकार में मंत्री राजीव बनर्जी को मनाने की पार्टी लगातार कोशिश कर रही है। पार्टी से असंतुष्ट चल रहे बनर्जी से बातचीत करके मतभेदों को दूर करने की कोशिश की गई है। उधर पिछले महीने कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले ताकतवर नेता शुभेंदु अधिकारी की करीबी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पार्टी से बर्खास्त की गई कनिष्का पांडा पूर्वी मिदनापुर जिले में टीएमसी की सचिव थी। इसके अलावा भी कई ऐसे नेता हैं जो ममता बनर्जी से बेहद नाराज हैं। इसमें पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया की बेटी और टीएमसी विधायक वैशाली डालमिया भी शामिल हैं। वैशाली डालमिया ने बंगाल में टीएमसी नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को बाहरी कहे जाने का विरोध किया है। वैशाली डालमिया ने कहा है कि ये दुख की बात है, प्रधानमंत्री को भी कुछ लोग बाहरी कहते हैं। देश के प्रधान हैं, देश तो एक ही है। अगर इतने बड़े नेता को किसी को लोग बाहरी कह सकते हैं तो फिर मैं तो कुछ भी नहीं। वैशाली डालमिया ने आरोप लगाया कि टीएमसी के ही कुछ नेता उनको भी बाहरी कहकर परेशान कर रहे हैं। ऐसे में टीएमसी के विधायक ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। वहीं अगले साल चुनाव से पहले बागी विधायकों की संख्या बढ़ने से टीएमसी की परेशानी बढ़ती जा रही है, जबकि बंगाल में बीजेपी ने असंतुष्ट नेताओं के लिए अपना दरवाजा खोल दिया है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में टीएमसी और बीजेपी के बीच लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।